हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा जो कू अकाउंट है वो वेरीफाइड हुआ ऑफिशियली, कैसे मुझको मेरी कू आईडी पे येलो बैच मिला जो वेरिफिकेशन बैच है। और अगर अभी तक आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी के टाइम इंडिया में एज अ इंडियन ट्विटर। तो अगर अभी तक आपने कू को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हालांकि मुझको कू अकाउंट इसलिए क्रिएट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे थे, तो हो सकता है उनमें से कोई बंदा यार कोई ऐसा वैसा ट्वीट कर दे तो इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मुझे कू के ऊपर ज्वाइन होना पड़ा और कू की तरफ से मुझे वेरिफिकेशन बैच मिला। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपको बता दिया जाए कि कू के ऊपर भी आप वेरिफिकेशन ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। और यहाँ पे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कू का जो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें भी आपको नोटेबल होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोटेबल होगे तो ही आपको कू के ऊपर वेरिफिकेशन मिलेगी। लेकिन अलग से मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कू के लिए वेरिफिकेशन अप्लाई किया था तो मेरा जो रिजेक्ट हो गई थी जो मेरी एप्लीकेशन है, तो मैं वो भी बताऊंगा। जब मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई उस टाइम पे कू ने मुझे क्या क्या क्राइटेरिया बताया कि अगर आप वेरिफिकेशन लेना चाहते हैं कू पे तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है और अभी ये ऑफिशियली वेरीफाइड है। और साइट पे आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, कू पे मैं अभी वेरीफाइड हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा प्रोफाइल का। तो सबसे पहले तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम कू पे वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई किया था तो कू पे वेरिफिकेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साइड पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी आप रुक जाइए, वीडियो को कंप्लीट देख लो पहले एक बार। अगर आपके वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया, हमारी वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या क्राइटेरिया है और आगे चलकर आपको कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐप के थ्रू अप्लाई किया था तो मेरा रिजेक्ट हो गया था और दोबारा वहाँ पे आप ऐप के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बता दूँ, इशू क्रिएट होता है, आप दोबारा से वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉर्म जो होता है वो एक तरह से गूगल फॉर्म का लिंक इन्होंने लिंक करके रखा है अपनी एप्लीकेशन में और आप उसे एक बार ही जो फिल कर सकते हैं, सेकेंड टाइम ऑप्शन ही नहीं आता आप जो दोबारा अप्लाई कर पाएँ। तो फर्स्ट टाइम पे ये आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम पे मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी कू को वेरिफिकेशन के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने भेजी थी 17 अक्टूबर 2020 में। तो उस टाइम पे कू इतना पॉपुलर नहीं था, उस टाइम उसके प्ले स्टोर पे तकरीबन सिर्फ 1 लाख ही जो डाउनलोड्स थे 100K ही, अब तो 1 मिलियन हो चुके हैं। तो उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने वेरिफिकेशन भेजी थी रिक्वेस्ट जो एप्लीकेशन के थ्रू मैंने भेजी थी। तो ये आप देख सकते हैं, उस टाइम पे जो मेरी एप्लीकेशन है इन्होंने डिक्लाइन कर दी थी। ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया कि योर रिक्वेस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन टिक मार्क ऑन कू हैज़ बीन डिक्लाइन एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और उस टाइम पे मैं दोस्तों ये भी बता दूँ, उस टाइम पे मेरा फेसबुक, टेलीग्राम और बाकी जो अकाउंट्स हैं मेरे वो उस टाइम पे वेरीफाइड नहीं थे। उस टाइम मेरे पास सिर्फ यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल था। तो यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हमारा यूट्यूब पे आर्टिस्ट चैनल है या हम यूट्यूब पे वेरीफाई हैं तो हम क्या कू वेरिफिकेशन ले सकते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों मेरा रिजेक्ट हो गया था। आप मुझे नहीं पता जो वेरिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा आप ले सकते हैं या फिर नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उस टाइम पे मुझे क्राइटेरिया भी बताया गया था कू के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। उस टाइम पे मुझे कू ने कहा था अगर आप वेरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया, या तो आपका विकिपीडिया पेज हो, मतलब अगर आपका विकिपीडिया पेज है तो आपको कू वेरिफिकेशन मिल सकती है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है, अगर आपका विकिपीडिया पेज है तो आपको वेरिफिकेशन मिल सकती है कू के ऊपर। तो जो सेकंड क्राइटेरिया बताया गया था उसमें बताया गया है अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट है, और इन तीनों में आते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। मतलब अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट वेरीफाइड है, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक अकाउंट वेरीफाइड है तो आप कू के ऊपर वेरिफिकेशन ले सकते हैं।
और जो थर्ड और लास्ट क्राइटेरिया है उसमें बताया गया था, अगर आपके कू अकाउंट पे 250 के फॉलोअर्स हैं, मतलब आप कू के ऊपर एक पॉपुलर, आपके पास एक प्रोफाइल है जिसके ऊपर 250 के प्लस फॉलोअर्स हैं, तो आप कू के ऊपर वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं। तो ये तीनों दोस्तों क्राइटेरिया है जिसके द्वारा आप कू के ऊपर वेरिफिकेशन बैच ले सकते हैं, मतलब इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए अगर आप कू के ऊपर वेरिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों 17 अक्टूबर की, उस टाइम पे मेरी जो वेरिफिकेशन है वो डिक्लाइन कर दी थी कू ने, मेरी एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इन क्राइटेरिया में से कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे कुछ अकाउंट्स क्रिएट होने लग गए थे फेक, तो इसलिए मुझे कू के ऊपर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कू को मेल किया। तो मेल कू का क्या है वेरिफिकेशन के लिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेल भी कर सकते हैं, लेकिन मेल आप तभी करिए जब एप्लीकेशन के थ्रू आपका रिजेक्ट हो गया हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई करें, और अप्लाई तभी करें जब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन के थ्रू, कू एप्लीकेशन के थ्रू आप दोबारा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे, क्योंकि वो एक तरह से गूगल फॉर्म है, आप दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने मेरा अभी जो 26 फरवरी को जब मैंने दोबारा से मेल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी ताकि कोई ऐसा सीन ना क्रिएट हो कि मेरे फेक अकाउंट से कोई भी ऐसा ट्वीट हो जाए जिसके थ्रू कोई इशू क्रिएट हो, तो इसलिए मुझे वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी कू के ऊपर भी। तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए इन्हें मेल किया कू को, ये आप देख सकते हैं 26 फरवरी को 2021 में, तो मैंने अभी ही, ये आप देख सकते हैं 11 दिन पहले मैंने मेल किया। तो इस मेल में मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस मैंने यही बताया कि डियर कू टीम, कि मैं एक, जो मैंने अपना प्रोफेशन बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और आर्टिस्ट हूँ, तो कू के ऊपर मैंने ज्वाइन हुआ और मैंने ये सब कुछ बता दिया कि हाँ मेरे फेक अकाउंट्स कुछ बन रहे थे इसलिए मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, और यहाँ पे मैंने अपनी कू प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया और जिस अकाउंट्स पे मैं ऑलरेडी वेरीफाइड हूँ वो भी मैंने बता दिए। मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं यूट्यूब पे वेरीफाइड हूँ, फेसबुक पे वेरीफाइड हूँ और टेलीग्राम पे वेरीफाइड हूँ, और मैंने ये लिंक्स भी दे दिए कि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, और मैंने एक फेक अकाउंट का भी लिंक दे दिया कि ऐसे कुछ मेरे फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं इसलिए मुझे वेरीफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ये मैंने कब मैसेज भेजा, 26 फरवरी को मैंने ये मैसेज भेजा 2021 में, तो ये आप देख सकते हैं मुझे रिप्लाई कब आया, 3 मार्च को, तो 3 मार्च को मुझे कू वेरिफिकेशन का रिप्लाई आया, ये अभी ये आप देख सकते हैं 18 घंटे पहले ही आया, ये कल ही मुझे मैसेज आया मेल पे, मेल आया मुझे, रिप्लाई किया कू टीम ने, तो मैं दिखाता हूँ आपको मुझे क्या रिप्लाई आया। तो ये आप देख सकते हैं जो मुझे 3 मार्च को जो कू ने मुझे रिप्लाई किया, उसमें मुझे कू ने बताया कि हम ये आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरा नाम बता दिया और मेरा हैंडल बता दिया और ये मेरा मोबाइल नंबर है जो मैंने हाइड करके रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मुझे बताया कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है आप खुद मैनेज कर रहे हैं इसे, इसको कोई मतलब दूसरा बंदा मैनेज नहीं कर रहा और कोई आप फेक अकाउंट पर वेरिफिकेशन नहीं लेना चाह रहे। तो इन्होंने मुझे क्या कहा, एक मुझे इन्होंने स्टेप करने को कहा, इन्होंने मुझे कहा कि जो आपका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट जो आपका वेरीफाइड अकाउंट है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपनी कू जो प्रोफाइल है उसका लिंक शेयर कर देना है और वहाँ पे हमें डीएम कर दें, मतलब बता दें कू को कि ये हमारा ऑफिशियली फेसबुक का जो वेरीफाइड अकाउंट है। तो मैंने सेम ऐसा ही किया, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे तो आपको पता होगा मैंने कल फेसबुक पे अपना जो कू अकाउंट का लिंक वो शेयर किया था। तो यहाँ पे मैंने अपना कू का जो लिंक है वो शेयर कर दिया कू टीम के साथ कि ये मेरा ऑफिशियली जो मेरा कू अकाउंट का जो लिंक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक इन्होंने मुझे स्टेप करने को कहा, मेरे एक और फ्रेंड को सेम स्टेप करने को कहा गया था, उसका तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर वेरीफाइड हो गया था, उसने ऐप के थ्रू ही किया था, लेकिन उसको भी मेल आया था ऐसा ही कि फेसबुक अकाउंट पे अपना कू का लिंक शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि आप ही ओरिजिनल जो अकाउंट ओनर हो जो आप वेरिफिकेशन लेना चाहते हो। तो ये स्टेप मुझे कू ने करने को कहा, कल कहा 3 मार्च को 18 घंटे पहले, ये आप मेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ उसके बाद क्या कुछ मुझे अगला रिप्लाई आया। तो ये उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही अपना जो
इन्हें डीएम करके मैंने जो पोस्ट की थी फेसबुक पे, मैंने वहाँ पे भी डीएम कर दिया और इनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया इसी मेल का। ये आप देख सकते हो 3 मार्च को 17 घंटे पहले, मतलब मैंने 1 घंटे के बाद ही पोस्ट कर दी। ये मैंने अपनी कू की प्रोफाइल दी, अपनी कू प्रोफाइल का लिंक दे दिया और मैंने अपनी फेसबुक आईडी का लिंक दे दिया। और जो मैंने पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि ये मेरा कू ऑफिशियली जो मेरा है अकाउंट है उसका लिंक जो मैंने शेयर किया था, उस पोस्ट का भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों लिंक दे दिए। तो उसके बाद मुझे क्या मैसेज आता है ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के बाद ही, सेम डे 3 मार्च को 16 घंटे पहले, ये आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद ही मुझको मेल आ जाता है कि आपका जो कू अकाउंट है उसे हमने वेरीफाइड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा जो कू अकाउंट है वो वेरीफाइड हुआ। तो क्राइटेरियाज तो आपको देखो यार फॉलो करने पड़ेंगे ही, अगर ऐसा नहीं हो सकता आप आज अकाउंट क्रिएट करो और आपके पास इन तीनों क्राइटेरिया में से एक भी चीज़ नहीं है और आप चाहते हैं कि कू के ऊपर आपको वेरिफिकेशन मिल जाए, नहीं होगा। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप उठा के ले लो, वो वेरीफाइड आपको तभी करेगा अगर आप नोटेबल पर्सन हो, वो वेरीफाइड ऐसे ही किसी को नहीं करता। तो नोटेबल बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, शुरुआत करो आज से शुरू करो। हर एक कोई जीरो से स्टार्ट होता है, मैं भी 2018 से लगा हुआ हूँ अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। किसी से भी पूछ लो, अगर आप किसी को भी दूसरे बंदे को फॉलो करते हैं तो जीरो से ही सारे स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट कोई नहीं होता वेरिफिकेशन लेने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको पता चल गया होगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया कि कैसे मैं कूप के ऊपर वेरीफाइड हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।